ग्राम पंचायत प्रधान की पशुशाला के 8 फीट रास्ते को चकाचक करने के लिए पंचायत देई का नॉन द्वारा डीसी हमीरपुर को गुमराह करके फर्जी फोटो वो दस्तावेज दिखाकर रिलीफ फंड से 90,000 रूपए पैसे स्वीकृत करवा लिए गए। हालांकि पंचायत द्वारा कार्य के नाम में रास्ता प्रधान की पड़ोसी महिला के घर का दर्शाया गया, फिर 1 साल तक कोई काम नहीं किया गया। लेकिन 1 साल बाद पड़ोसी महिला के पति के नाम से कार्य का नाम डालकर 14वें वित्त आयोग से दोबारा 90,000 रूपए स्वीकृत करवा लिए गए। ग्राम पंचायत प्रधान की पशुशाला के 8 फीट रास्ते को चकाचक करने के लिए पंचायत देई का नॉन द्वारा डीसी हमीरपुर को गुमराह करके फर्जी फोटो व दस्तावेज दिखाकर रिलीफ फंड से 90,000 रूपए पैसे स्वीकृत करवा लिए गए। हालांकि पंचायत द्वारा कार्य के नाम में रास्ता प्रधान की पड़ोसी महिला के द्वारा महिला के घर को दर्शाया गया, फिर 1 साल तक कोई काम नहीं किया गया। लेकिन 1 साल बाद पड़ोसी महिला के पति के नाम से कार्य का नाम डलवाकर 14वें वित्त आयोग से दोबारा 90,000 रूपए स्वीकृत करवा लिए गए। रिलीफ फंड से स्वीकृत पैसों के लिए पंचायत ने झूठा एस्टीमेट लगाकर किसी दूसरे खराब रास्ते का फोटो लगाकर फर्जी प्रस्ताव भी डाल दिया कि बारिश के दौरान रास्ते को करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में सारा खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जब हुआ तब शिकायतकर्ता एवं पंचायत के गांव नरेली निवासी दीपक शर्मा ने इसकी शिकायत तथ्यों सहित डीसी हमीरपुर से की, जिस पर डीसी ने जांच बिठा दी। अब वीडियो की जांच रिपोर्ट में साबित हो गया है कि पंचायत द्वारा विकास कार्य के लिए धन स्वीकृत करवाने में अनियमितता बरती गई है तथा जिला के उच्च अधिकारियों को धन स्वीकृत करवाने में गुमराह किया गया है। लेकिन 1 माह से इस मसले में कोई कार्यवाही पंचायत पर नहीं हुई है, जिस पर शिकायतकर्ता ने इस मामले में कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार व पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव को शिकायत प्रेषित की है। मामला जिला हमीरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत देई का नौण का है। ग्राम पंचायत देई नौण का है, जहां अन्य विकास कार्यों को लेकर भी पंचायत के लोगों ने करीब आधा दर्जन से अधिक शिकायतें प्रशासन से की हैं। जानकारी के अनुसार पंचायत प्रधान के घर को जाने वाला रास्ता पूर्व पंचायत में वर्ष 2015 में 1,20,000 रूपए खर्च करके बनाया गया था, लेकिन वर्ष 2018 में इसी रास्ते के साथ एक अन्य घर के लिए पंचायत द्वारा पहले SDRF रिलीफ फंड से 90,000 रूपए स्वीकृत करवाए गए और बाद में 1 साल बाद वर्ष 2019 में इसी रास्ते का नाम बदलकर वित्त आयोग से इतनी ही राशि स्वीकृत करवा ली गई तथा दोनों काम भी एक साथ शुरू किए गए। पूरे मामले में फर्जी दस्तावेजों पर डीसी को गुमराह करके प्रधान के पड़ोसी के घर का रास्ता भी बन गया और प्रधान की पशुशाला तक भी रास्ता चकाचक कर दिया गया। रिलीफ फंड से मिले पैसे के लिए हैरानी की बात ये रही कि पटवारी ने भी पैसा स्वीकृत होने के 1 साल बाद रिपोर्ट दी और कि रास्ता टूटा हुआ है। उसमें भी पटवारी ने रिपोर्ट पंचायत प्रधान के पशुशाला को जाने वाले रास्ते की बनाई, जबकि पैसा प्रधान के पड़ोसी के घर के लिए स्वीकृत हुआ था। हालांकि RTI एक्ट में ली गई सूचना में पटवार सर्कल में बीते 4 सालों में उस जगह पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। छोटे स्तर के अधिकारी किस तरह किसी विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए गुमराह कर सकते हैं, इसमें भी पर्दा उठा। पहले पंचायत द्वारा डीसी को गुमराह करके पैसा स्वीकृत करवाया गया और उसके बाद BDO कार्यालय को बाईपास कर सीधे जिला राजस्व विभाग का रिलीफ ब्रांड से पैसा ले लिया गया। पैसा स्वीकृत करवाने के इसमें तकनीकी सहायक द्वारा झूठा एस्टीमेट बनाया गया था, लेकिन पैसा स्वीकृत होने के बाद ब्लॉक के कनिष्ठ अभियंता द्वारा पति पत्नी के नाम से स्वीकृत दोनों कार्यों में गलत एस्टीमेट बना दिया गया। रिलीफ फंड के पैसे भी ब्लॉक कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता ने जांच के दौरान अपनी रिपोर्ट में बताया कि रास्ते को चौड़ा करने के लिए डंगे लगाए जाने की जरूरत थी, जबकि रास्ता जिस घर के लिए बनाया जाना है उसके लिए भी डंगों की जरूरत नहीं थी तथा डंगे प्रधान की पशुशाला को जाने वाले रास्ते पर लगाए गए हैं। जब मैं पंचायत में घूम रहा था, पंचायत के गाँव नरेली में घूम रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक सड़क बनी हुई है और उसमें क्या हुआ है कि पीछे से वो रास्ता बहुत छोटा था, मतलब चलने लायक था, और आगे जाकर देखा तो वो रास्ता एकदम से 8 से 10 फुट बन गया, मतलब एक ट्रक के लायक वो रास्ता बनाया गया। और जब उस रास्ते को देखा मैंने तो वहाँ पे प्रधान जी पंचायत द्वारा पूरा काम करवाया जा रहा था, उस पे पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे थे, उस रास्ते की मरम्मत करवाई जा रही थी। फिर वहाँ से मुझे शक पैदा हुआ कि जब ये रास्ता आगे से इतना चौड़ा है और आगे जाकर इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल 2.5 से 2 फुट के करीब है और जहाँ पे एक आम आदमी चल सकता है, तो इसको पीछे से इतना चौड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तो
इसको चौड़ा किया जाए। और मेरे मन में ध्यान आया कि मैं इसके ऊपर एक आरटीआई डालूं, तो मैंने इसके ऊपर एक आरटीआई डाली। जब मैंने आरटीआई डाली तो उसमें मुझे बहुत से तथ्य सामने आए, जैसे कि मतलब जो फ़ोटो उस रास्ते की मरम्मत के लिए लगाया गया था वो फ़ोटो वहाँ का नहीं था, वो फ़ोटो कहीं और का था और दिखाया वो कहीं और का था, जबकि रास्ता वहाँ पे क्षतिग्रस्त ही नहीं हुआ था। उस फ़ोटो में दिखाया गया था कि रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है, जबकि वो रास्ता टूटा हुआ नहीं था। और उसी चीज़ को छुपाने के लिए पंचायत प्रधान ने रिलीफ ब्रांच से डीसी से 90,000 रुपये सेंक्शन करवा करके उस रास्ते पर काम शुरू कर दिया 10 महीने बाद। और सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि 10 महीने के बाद काम शुरू करने से पहले उन्होंने एक और प्रस्ताव डाला और इसी काम पर पंचायत से 14वें वित्त आयोग से 90,000 रुपये और सेंक्शन करवा लिए, जिससे कि ताकि जो पुराने 90,000 रुपये लिए गए हैं वो दिखाई ना दे, और जो अगले 90,000 रुपये लिए गए थे उससे लोगों को गुमराह करके और डीसी साहब को गुमराह करके, सभी को गुमराह करके उनको हड़प लिया जाए। दीपक जी बताएंगे उसके बाद जो है, जब आपने आरटीआई ली उसके बाद क्या इंक्वायरी हुई है, आपने जब इस मुद्दे पर प्रश्न चुनवाए? जी बिल्कुल, उसके बाद जैसे ही मुझे पता लगा उसके बाद हमने डीसी साहब को इंक्वायरी फ्रेम की, एक एप्लीकेशन बना करके इंक्वायरी फ्रेम करवाई, जिसमें डीसी साहब ने बीडीओ साहब को एक इंक्वायरी करने के लिए कहा। और जब इंक्वायरी दो बार की गई, एक इंक्वायरी की दिनांक 17/12/2019 थी और दूसरी इंक्वायरी की दिनांक 31/12/2019 थी, तो पहली इंक्वायरी में जब बीडीओ मैडम वहाँ पर गए तो वहाँ पे बीडीओ साहब वहाँ पर गए तो उन्होंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर हमारे सामने एक पटवारी की फर्जी रिपोर्ट रखी गई। तो उस फर्जी रिपोर्ट में लिखा गया था कि वो रास्ता टूट चुका था और वो उसमें मरम्मत की ज़रूरत थी और उसके लिए 1,00,000 रुपये उसके सेंक्शन किए जाएँ और उसको स्वीकृत किए जाएँ, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया था। क्योंकि इस हमारे पास एक रोजनामचे की रिपोर्ट भी थी जिसमें कि लिखा हुआ था कि इस तरह का उनके रोजनामचे में कोई रिकॉर्ड में पाया गया ही नहीं गया है कि इस तरह का नुकसान कोई 2016 से लेकर 2020 के बीच में इस तरह का कुछ भी अनियमितता, कोई भी इस तरह का हानि और लाभ नहीं हुई है पंचायत में। और इसमें सबसे मज़े की बात जो रही है वो इसमें ये रही है कि मतलब जो पटवारी की रिपोर्ट है उसकी दिनांक है 12/7/2019 और कार्य जो स्वीकृत करवाया गया है वो है 28/11/2018। कहने का मतलब ये है कि पटवारी रिपोर्ट कार्य को सेंक्शन होने के बाद दे रहा है, टूटने की मतलब कार्य जो मरम्मत मांग रहा है उसकी रिपोर्ट पटवारी एक साल बाद दे रहा है। दीपक जी इंक्वायरी भी हो चुकी है, क्या डिमांड करते हैं? काफ़ी अनियमितताएँ आपने देखी हैं, क्या क्या डिमांड है? इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस मामले में पूरे में सभी उच्च अधिकारियों को गुमराह किया गया है और अनियमितताएं बरती गई हैं। प्रधान द्वारा हरेक फंड को सेंक्शन करवाने में अनियमितताएं बरती गई हैं, तो इसमें किसी उच्च स्तर के अधिकारी को लगा करके वहां पर पूरे पंचायत के कामों की, जो भी काम 2016 से 2020 के बीच में हुए हैं उन सभी की इंक्वायरी फ्रेम करवाई जाए। और इंक्वायरी फ्रेम करवाने के बाद जो दोषी पाए जाएं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बीडीओ हमीरपुर अस्मिता ठाकुर ने बताया कि विकास खंड हमीरपुर में प्रशासन को गुमराह करने का मामला सामने आया है, जिसमें ग्राम पंचायत देई का नौर द्वारा वर्ष 2018 में तत्कालीन डीसी हमीरपुर को किसी अन्य खराब रास्ते का फोटो दिखाकर फर्जी एस्टिमेट तैयार कर रिलीफ फंड से 90,000 रुपए पैसे स्वीकृत करवा लिए गए। हालांकि पंचायत द्वारा कार्य के नाम में रास्ता प्रदान की पड़ोसी महिला के घर को दर्शाया गया, फिर एक साल तक कोई काम नहीं किया गया, लेकिन एक साल बाद पड़ोसी महिला के पति के नाम से कार्य का नाम डालकर 14वें वित्त आयोग से दोबारा 90,000 रुपए स्वीकृत करवा लिए गए। रिलीफ फंड से स्वीकृत पैसों के लिए पंचायत ने झूठा एस्टिमेट लगाकर किसी दूसरे खराब रास्ते का फोटो लगाकर फर्जी प्रस्ताव भी डाल दिया कि बारिश के दौरान रास्ते को करीब 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। गांव नरेली दीपक शर्मा ने इसकी शिकायत तथ्यों सहित डीसी हमीरपुर से की, जिस पर डीसी ने जांच बिठा दी। उन्होंने कहा कि वीडियो की जांच रिपोर्ट में साबित हो गया है कि पंचायत द्वारा विकास कार्य के लिए धन स्वीकृत करवाने में अनियमितता बरती गई है तथा जिला के उच्च अधिकारियों को धन स्वीकृत करवाने में गुमराह किया गया है।
में ये है कि देगा नॉन पंचायत में वहाँ पे गांव है नरेली, वहाँ पे एक रास्ते के लिए जो है वो SDRF से सेंक्शन ली गई थी। उसमें रेजुलेशन डाला गया था कि रास्ता जो है वो पानी से पूरी तरह से बरसात के कारण बह गया है, और उसका जो फोटोग्राफ दिया था उसमें भी फोटोग्राफ किसी और जगह का उसमें दे करके उसके लिए जो है वो फंड्स 90,000 रुपये जो है वो उसमें सेंक्शन करवाई गई थी। और उसमें जो है वो रास्ता मेन रोड से जो है वो अनीता देवी के घर तक बनाया गया था, फिर उसी रास्ते के ऊपर जो है वो 40th फाइनेंस कमीशन में भी सेंक्शन करवाई गई थी, और उसमें मेन रोड सोलर लाइट्स चौक से जो है वो अनिल कुमार के घर तक, उसमें अनिल कुमार और अनीता देवी जो है वो दोनों एक ही हैं, हस्बैंड वाइफ हैं मतलब वो दोनों। और उसमें जो है एक तो डबल सेंक्शन इन्होंने करवा ली थी दो हेड से, और उसमें गलत रिपोर्टिंग की गई थी कि वो बारिश की वजह से रास्ता बह गया हुआ है। वहाँ पे जो है वो पहले जिला परिषद से रास्ता बना हुआ था, और वो जो रास्ता था उसमें जैसे हमारे विकासखंड हमीरपुर के जो कनिष्ठ अभियंता है उन्होंने जब एस्टिमेट वहाँ पे तैयार किया सेंक्शन आने के बाद, तो उसमें क्या था कि वहाँ पर गड्ढे पड़े हुए थे और उसकी जो है वो उन्होंने रिपेयर करवानी थी, और रास्ता वहाँ से चौड़ा वो लोग करवाना चाहते थे क्योंकि मेन रोड से गाड़ियाँ मोड़ने वगैरह में दिक्कत आती थी, तो इसलिए वहाँ पे एक डंगा लगाया गया था और पेवर ब्लॉक जो है वो उस रास्ते में लगाए गए थे। उसमें उन्होंने सेकेंड टाइम जो सेंक्शन करवाई 40th फाइनेंस कमीशन से, उसमें क्या था कि उन्होंने नई सेंक्शन करवा ली, जबकि उसमें ये होना था कि जो पहले उन्होंने फंड्स लिए थे अगर वो ख़त्म हो जाते हैं और काम आपका जो है वो पूरा नहीं होता है तो उसमें जो सेंक्शन ली जानी थी वो उसमें नाम देना था कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि, रास्ता जो भी मेन रोड से अनिल कुमार के घर तक है या अनीता देवी के घर तक है, तो इस तरह से इसको डबल सेंक्शन जो है वो हम कंसीडर करेंगे। वैसे अगर हम कार्यस्थल पे जाकर के वो जो वहाँ पे कार्य किया गया है उसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है वो गबन नहीं हुआ है, धनराशि वहाँ पे उतनी लगी है जो दोनों हेड से सेंक्शन हुई है 90,000 उसमें पेपर ब्लॉक लगे हैं, पैसा उसमें पूरा लग गया है, एक वो इसी तरह से उसमें अनियमितता जो है वो पाई गई है, वो पंचायत में रेजुलेशन जो है वो अप्रूव हुआ है, और पंचायत में जब रेजुलेशन अप्रूव होता है तो इसमें पंचायत के जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो सब इसमें जो है वो जिम्मेवार होते हैं। उसी के रिगार्डिंग RTI जो वहाँ पे देगा नॉन पंचायत में दीपक शर्मा हैं, वहाँ के निवासी हैं, उन्होंने RTI ली थी, और RTI उन्होंने DC ऑफिस से ली थी इसकी जो SDRF में सेंक्शन हुई है, उसके बाद उन्होंने कंप्लेन की थी कि ये गलत जगह पे जो है वो इस जगह का फोटोग्राफ भी नहीं है और यहाँ पे पहले भी कार्य हुआ है, फिर वो हमें इंक्वायरी के लिए DC ऑफिस से और DP ऑफिस से हमारे पास जो है वो इंक्वायरी ऑफिस से जो मुझे लगाया गया था, हमने उसकी इंक्वायरी करके वहाँ पे जो लोग थे उनकी भी हमने कंसेंट ली वहाँ पे कि यहाँ पे क्या था, क्या रास्ता रिपेयर किया जाना था कि नहीं किया जाना था या बारिश से गिर गया था, तो लोगों ने यही कहा कि वहाँ पे गड्ढे जरूर पड़े हुए थे पर इतनी खराब हालत में नहीं था कि वो बारिश से पूरी तरह से बह गया था जिस तरह का वहाँ पे उसमें फोटोग्राफ दिया गया था, तो उसी RTI के बेस पे उन्होंने कंप्लेंट करी थी और फिर इंक्वायरी हुई थी। तो आगे क्या है उसमें जो है हमने इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो भेज दी हुई है, अब हायर अथॉरिटी लेवल से ही जो है वो उसमें उनके अंगेंस्ट जो भी एक्शन लिया जाना है वो उसी लेवल से लिया जाना है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।